तो मैं जानती हूँ आपका स्वागत करती हूँ आज के नए ब्लॉग के। तो आज का नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह की मॉर्निंग से और आज का दिन है हैप्पी हरेला। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी सभी लोगों को हैप्पी हरेला, क्योंकि ये है पहाड़ी कुमाऊँनी रीति रिवाज जो कि आज मनाया जाता है। जैसे मनाया जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग पे, तो बने रहिए ब्लॉग पे, देखते हैं आज के हरेले के त्यौहार पे कैसा होता है और हरेले के बारे में फिर बताती हूँ मैं आपको आगे को। तो दोस्तों बच्चे भी हो चुके हैं रेडी और कोई आए भी हैं, कौन आए हैं वो अब हमको दिखाते हैं। और उन्हीं के आए हैं फौजी पापा, तो फौजी पापा त्यौहार में आ चुके हैं, हो चुके हैं रेडी। और सबसे पहले कहना चाहूँगी हैप्पी हरेला और हैप्पी सावन। तो आज है सावन का पहला दिन और मौसम देखो कैसा है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये देखिए हरेली की तैयारी हो चुकी है। हम तैयार होकर रेडी होकर निकल पड़े हैं और ये देखो हमारा अभी तक वो छत लैंडर रखा, अभी ये क्या बोलते हैं ढोला जो भी है उतरा नहीं है ना, इसलिए हमारी गाड़ी रह रही अंदर। और अभी आया है भैया अब लेने के लिए और बारिश रुक नहीं रही है, तो हम ये देखो गाड़ी आ चुकी है। अरे जल्दी आओ भाई, यहाँ पे देखा जा रहा है दुकानदार। हेलो बेबी आ रही है। हेलो गाइस, कौन आया लेने के लिए? देखो ये हैप्पी हरेला, जितने जितने हैप्पी हरेला, हैप्पी हरेला, जीते रहे जीते रहे जीते रहे जीते रहे। हैप्पी हरेला भी बोल, हैप्पी हरेला। यू बिग रही है खाली है, बारिश अभी तक रुक भी नहीं रही है, बारिश रुकी नहीं है। ये देखो इसका नाम पर वो नहीं आता है, उसको नहीं ले आते बाद में आ लिया, चलो गया। तो हम निकल पड़े माइके को, इधर मामा को गाड़ी निकालने दे। टीचर वो देख, ये है मेरी बंदर सेना जो कि रेडी वो हो चुकी बंदर? है बंदर मत बंदर सेना नहीं है, कौन से सेना है बताओ गाइस? हम बढ़िया सेना, सेना बढ़िया वाले सेना है, खूबसूरत सेना, खूबसूरत सेना। और आज भी बोलो मेरे लिटिल चैंप। गाइस यहाँ पे जा रही है बारिश में महादेव की कलश यात्रा, ये है कलश यात्रा। ये कहे चला रहे वीडियो बन जाना चाहिए। तो पहुंच गए हैं हरेला में, ये देखो पहुंच गया हरेला में। अरे प्रणाम नहीं कहना नानू को, अरे प्रणाम तो बोलो एक बार। क्या स्नैक्स है नानी? नानी नानू और नानी के प्यार, एक नीचे रह गई मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी एक तो नीचे रह गई, अरे मम्मी मम्मी वो तो नीचे रह गई। ओ ये नाती जी है, ये जवाई राजा है, ये है, ये बम हो। यहाँ पे हरेला की कटिंग हो चुकी है, ये देखो गाइस ये हरेला, तो मंदिर के यहाँ पे इसकी हो चुकी है पूजा वगैरह सब कुछ। तो अब हम जो मनाते हैं किस तरीके से वो देखिएगा। तो ये खुल चुकी है मिठाई, अरे आ जाओ जल्दी, चलो स्टार्ट करते हैं। बेबी का, बेबी का, बेबी का, बेबी बड़ी होशियार
मामा आपके आपके सर में ना वो उग गया है खेती बाड़ी की फसल लगे फसल वो भी अच्छा लग रहा है कितनी आज पहली वैसी है सभी तो अरे ब्लॉग ब्लॉग बन रहा है अरे चैनल वाले अरे कोई धक्का उनकी नहीं अच्छा सिर पूजा ने भी हुआ था खाली काट के रखा था क्यों फूल जी सारी नाटी ले पूछू तेल ले पूछू झुक नहीं सकता ना चपड़ा गिर जाएगा ये भांजिया जल्दी कर बेबू जल्दी कर अरे यहाँ देखो बेटा मैंने ना बुझ रहा है बब्बी को बुझ रहा है पापा को बुझ रहा है किया तुम्हारा तुम बॉय बड़े लड़की लोग अगली बार ऐसे बड़ा होगा ना कितना बड़ा होते बहुत बड़ा खाना पड़े यहाँ होशियार होना कहते इसके चक्कर में गिरा देते पैसा कौन कौन देगा मेरे को ये क्या दिया एक तो बैग वाली देगी मैं तभी तो घुमा के बड़ी यह है खीर यहाँ पे लग चुके हैं थाल खाने के ये देखो पूरी हाँ तो त्योहार चंगा मंगा वाला बन गया मम्मी का शेर गए मम्मी के शेर बने क्या पड़े चना मूंग की दाल की क्या है ये अच्छा ये बड़े जैसे वाले नहीं गाइस देखो खाना पीना हो गया है और सब कुछ होने के बाद बैठ के आराम भी हो चुका है और बच्चे फाटी यहाँ खेल रही है और मौसम ठीक हो गया अभी तो यहाँ पे भी काम चल रहा है मकान बनने का यहाँ पे बन रहा है बाथरूम ये और ये किचन तो पापा ने ऊपर भी बना दिया सेट किचन का तो ये देखिए गाइस काम चल रहा है थोड़े दिन में हो जाएगा कंप्लीट तो हम भी चलते हैं अब नीचे को तो अब हो गया है इसे सिलाने का टाइम हरेले को किस तरह से सिलाया जाता है और कैसी पूजा करी गई थी इसके अंदर वो फूल के पेड़ में वो तो फूल के पेड़ के जड़ के उल्टा कर दो ऊपर का आसमान देखो क्या है भगवान भारी हो गया भाली बोला है चलो चलो वहाँ पे चलो पेड़ के यहाँ पे रख के आ दो तो दोस्तों घरेले को भी यहाँ पे कर दिया है विसर्जन हो गया है इसी किया जाता है फूल के पौधे के यहाँ पे कोई भी तो गाइस इस दिन ना पौधे भी लगाए जाते हैं और तो अभी हम पौधे लेने के लिए जा रहे हैं और किसका लेने जा रहे हैं अभी नाम वहाँ पे दीदी बताएगी हाँ किसका है निकाल रही है दीदी देखो काय का है बोला दिए और भी एक ही है एक बहुत हुआ सिंगार का लेके हाँ यही है सिंगार सिंगार
हर सिंगार का जब बोएंगे मैं उसे शाम को तब दिखाएंगी। और ये भी है फूल, ये मामी लाई है। हाँ देखो गाय, इनके अमरूद भी लगे हैं, पक गए हैं, गिर रहे हैं। और अब जाने का टाइम भी हो गया है, दीदी निकली, फिर हम भी निकलते हैं। मम्मी लोगों का यहाँ पे लगाए है, बहुत सारे यहाँ पे खिलते हैं फूल। दीदी को ये पौधा दिया है मायके से, मायके से पौधा दिया है। देखो हमारा गिफ्ट है ये देखो हरियाली बड़ी है, इसलिए बड़ा गिफ्ट बड़ा है। इसे सारे फल फ्रूट वाला है, यहाँ सब कुछ खाना भी है, टिफिन गाड़ी के अंदर। ये देखो नानी का प्यार पसीने इधर ही है। बाय 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 बाय। अरे बुबू के दोस्त आज थोड़ी देर में आएंगे। तो अब निकल चुके, पहुंच चुके। बेबी सो गई। घर पहुंच चुके हैं और हमने पौधे भी लगाए जो हम वहां से पौधे लेके आए थे मम्मी के यहाँ से। ये देखो पौधे कंप्लीट कर दिए वहां पे, क्योंकि वहां पे मैं बता नहीं पाई क्योंकि सब लोग साथ में थे तो एंजॉय करते हैं, मस्त बातें गप्पे सप्पे में रह गए। तो हरेला हमारा बहुत ही हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है ये वाला रीति रिवाज, ये हरियाली के तौर पर माना जाता है। मौनी का ये लोकप्रिय एक त्यौहार है जिसे बोला जाता है हरेला। तो हरेले में बस यही होता है और कहीं पे बुजुर्ग हमारे जो है बहुत ही अच्छी तरह से गांव में पहाड़ में जो भी है वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है, उसको जो बोया जाता है बहुत ही अच्छे से रस्मों से उसकी पूजा की जाती है और जिस तरीके से उसे बोया जाता है पानी दिया जाता है, उसे गुड़ाई की जाती है। उसके बाद फिर 9वें दिन में या 10वें दिन में या 11वें दिन में अपने अपने दिन के अनुसार, कोई 10 दिन में काटता है, कोई 11 तो कोई 9वें, तो काटने के साथ उस दिन की पूजा की जाती है। फिर करता है फिर फैमिली में पूरे रिश्तेदार में अपने परिवार में सबका सिर पूजा जाता है और जो भी अपनी लड़कियां कन्या हैं वो भी आती हैं और सर पूजती हैं। तो इस तरीके से मनाया जाता है और उसको फिर काटने के बाद उसके यहाँ पर जो पूरी पठा जो भी त्यौहार बना रहता है वो चढ़ाया जाता है। फिर उसको शाम को सर में ले करके कन्या उसको फूलों के यहाँ पे विसर्जन करती है, उसको वहाँ पे जो पूरी प्रसाद सब लिया जाता है तो उसी के वहाँ पे समाप्ति किया जाता है उस तरह को। और मैं बता नहीं पाई थी जिस तरीके से, इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम पे बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से मनाया जाता है। बहुत जगह में कुछ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और कहीं पर तो मनाया भी नहीं जाता है और कहीं पर छूट गया होता है। मैंने यहाँ पे बचपन से देखा है कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से मनाया जाता है, तो यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे मनाया जाता है। और जहाँ पे मैं बोल रही हूँ छूट जाता है नहीं मनाते हैं, जैसे कि मेरे ससुराल में नहीं मनाया जाता है, काफ़ी टाइम पहले छूट गया था किसी वजह से तो उसको फिर नहीं उठाया गया है। तो सिर्फ त्यौहार बनता है जो ये हरेला वगैरह लगाते हैं बोते हैं जो भी करते हैं वो नहीं मनाया जाता है यहाँ पे, और वो मेरे मायके में मनाया जाता है जो कि आपको ब्लॉग में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मेरे ससुराल में नहीं मनाया जाता है और मायके में मनाया जाता है। तो हम लोग मायके में इंजॉय करके घर पहुँच चुके हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। तो अगर आपको आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और ब्लॉग पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।